दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा साथ ही मैं यह मूवी हिंदी में कहाँ पर रिलीज़ हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊँगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे 2023 के अंदर रिलीज कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक, एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की मूवीज़ बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मज़ा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई एम टी वी है वहाँ पर दस में से छः पॉइंट छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को सेवेंटी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज़ और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूट्यूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लिड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सरथ जेजू जौहान चाम्बर विनोद जोश विन, विजय राघवन जवल मैरी आर सरव कुमार बीनू पप्पू जीनू जोसेफ सुधीर करमाना अपान सरात आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पे रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूट्यूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पे देखने को मिल च, मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्ज जॉर्ज की जो कि जेवियर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरात हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपने बेटी मारिया यानी कि कल्याणी प्रिया दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसे कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मछ मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहस दोनों महान हैं और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गाँव के कुछ बुजुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टारजन नाराज़ होते हैं क्या बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी हैं इनके ऊपर योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी या एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टारजन से कैच से बचाया है मारिया ने एंटनी में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक पूर्व बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्र की कहानी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो आउ गए लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफ़ी दमदार है रोंगटे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोर यहाँ जो पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में प्रति सिंबल को चेतावनी देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोमांस साझा करता है कलर ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर ये मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंडने का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को एंजॉय ज़रूर करेंगे जैसे ये ए पी एम टी वी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी ज़रूर दे दूँगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा साथ ही में यह मूवी हिंदी में कहाँ पर रिलीज़ हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊंगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे इंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे दो के अंदर रिलीज कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की मूवीज़ बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मज़ा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई है वहाँ पर दस में से छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को 75 फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूट्यूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लिड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो जोर्स कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सराथ जेजू जोहान चांबर विनोद जोश विजय राघवन जवल मैरी आर सरव कुमार बीनू पप्पू जिनू जोसेफ सुधीर करमाना अपानी सरत आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पर रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजोन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूटूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूटूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूटूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पे देखने को मिल मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्ज जॉर्ज की जो कि जेविनियर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरत हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपनी बेटी मारिया यानी कि कल्याणी प्रया दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसा कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मछ मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहस दोनों महान है और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गांव के कुछ बुजुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टाज नाराज़ होते हैं क्या वो बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी हैं ऊपर योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी या एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टारजल से कैच से बचाया है मारिया ने एंटनी की में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक पूर्व बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्र की कहानी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो आउक है लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफी दमदार है रोंगटे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोर जो 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 जहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में को चेतावनी देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोमन साझा करता है कल्याण ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर यह मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंटनी का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को इंजॉय ज़रूर करेंगे जैसे ए पी एम टी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी ज़रूर दे दूँगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा साथ ही मैं ये मूवी हिंदी में कहाँ पर रिलीज़ हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊँगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे 2023 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की मूवीज़ बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मज़ा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई है वहाँ पर दस में से छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को 75 फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज़ और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूटूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूटूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लीड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो जोर्स कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सरथ जेजू जौहान चैंबर विनोद जोश विन, विजय राघवन जबल मैरी आर एस कुमार बीनू पप्पू जिनू जोसेफ सुधीर करमाना अपानी सरत आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पे रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजोन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूटूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पर देखने को मिल मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्ज जॉर्ज की जो कि जेवियर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरत हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपनी बेटी मारिया यानी कि कल्याणी प्रिया दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसा कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मिश्रित मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहद दोनों महान है और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गांव के कुछ बुज़ुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टाज नाराज़ होते हैं क्या वो बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी है ऊपर योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी या एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टारजल से कैच से बचाया है मारिया ने एंटनी की में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक कुर बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्र की कहानी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो भाग है लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफी दमदार है रोंगटे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोर यहाँ जो 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 पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में को चेतावनी देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोहन साझा करता है कल्याण ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहां पर ये मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंटनी का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को इंजॉय जरूर करेंगे जैसे ये ए पी एम टी वी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी जरूर दे दूँगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा साथ ही में ये मूवी हिंदी में कहाँ पर रिलीज़ हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊँगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे 2023 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक, एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की, की मूवीज बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मजा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई है वहाँ पर दस में से छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूजर है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को 75 फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूट्यूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूटूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूटूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लीड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो ज्योर्स कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सरथ जेजू जोहान, चैंबर विनोद जोस, विन विजय राघवन जबल मैरी आर सरव कुमार बीनू पप्पू जिनू जोसेफ सुधीर करमाना अपानी सरत आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पे रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजोन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूटूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूटूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूटूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पर देखने को मिल मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्जो जॉर्ज की जो कि जेवियर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरत हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपनी बेटी मारिया यानी कि कल्याणी प्रया दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसे कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मशि मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहद दोनों महान है और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गांव के कुछ बुज़ुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टाज नाराज़ होते हैं क्या वो बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी है ऊपर योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी या, एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टारजन से कैच से बचाया है मारिया ने एंटनी की में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक पूर्व बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्र की कहानी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो आउक है लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफ़ी दमदार है रोंगटे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोड़ जहाँ जो जो पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में को चेतावनी देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोम साझा करता है कलन ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर ये मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंटनी का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय जरूर करेंगे जैसे ए पी एम टी वी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी जरूर दे दूँगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा साथ ही में ये मूवी हिंदी में कहाँ पे रिलीज हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊंगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे इंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे दो के अंदर रिलीज कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक, एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की, की मूवीज़ बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मजा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई है वहाँ पर दस में से छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को 75 फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज़ और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूट्यूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूटूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूटूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लीड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो जोर्ज कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सरथ जेजू जौहान चैंबर विनोद जोश विजय राघवन जवल मैरी आर सरव कुमार बीनू पप्पू जिनू जोसेफ सुधीर करमाना अपानी सरत आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पे रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजोन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूटूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूटूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूटूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पर देखने को मिल मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्जो जॉर्ज की जो कि जेवियर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरत हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपनी बेटी मारिया यानी कि कल्याणी प्रया दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसा कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मछ मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहस दोनों महान है और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गांव के कुछ बुजुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टाज नाराज़ होते हैं क्या वो बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी है इनके ऊपर योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टारजन से कैच से बचाया है मारिया ने एंटनी की में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक कुर बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्री की कहानी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो भावुक है लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफ़ी दमदार है रोंगटे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोड़ जहाँ जो 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 पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में पृथ्वि को देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोमन साझा करता है कल्याण ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहां पर यह मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंटनी का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को एंजॉय जरूर करेंगे जैसे ये फिल्म टी वी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी ज़रूर दे दूंगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा साथ ही मैं ये मूवी हिंदी में कहाँ पर रिलीज हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊँगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे 2023 के अंदर रिलीज कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की, की मूवीज़ बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मज़ा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई है वहाँ पर दस में से छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को 75 फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूटूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूटूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूटूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लीड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो जोर्ज कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सरथ जेजू जौहान चैंबर विनोद जोस, विजय राघवन जेवल मैरी आर सरोत कुमार बीनू पप्पू जीनू जोसे, सुधीर करमाना अपानी सरत आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पे रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूटूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूटूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूटूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पे देखने को मिल मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्ज जॉर्ज की जो कि जेवियर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरत हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपनी बेटी मारिया यानी कि कल्याणी टिया दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसा कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मिश मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहद दोनों महान है और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गांव के कुछ बुजुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टाज नाराज़ होते हैं क्या वो बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी है ऊपर योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी या, एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टार्जल से कैच से बचाया है मारिया ने एंटनी की में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक पूर्व बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी एक के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्र की कहानी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो आउक है लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफी दमदार है रोंगटे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोर यहाँ जो 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 पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में पृथ्वि को चेतावनी देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोमन साझा करता है कल्याण ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहां पर यह मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंटनी का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को इंजॉय ज़रूर करेंगे जैसे ये फिल्म टी वी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी ज़रूर दे दूँगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा साथ ही मैं ये मूवी हिंदी में कहाँ पर रिलीज़ हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊँगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे 2023 के अंदर रिलीज कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक, एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की, की मूवीज़ बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मज़ा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई है वहाँ पर दस में से छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को 75 फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूटूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूटूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लीड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो ज्योर्स कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सरथ जेजू जौहान चैंबर विनोद जोस, विजय राघवन जबल मैरी आर सरव कुमार बीनू पप्पू जीनू जोसेफ सुधीर करमाना अपानी सरत आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पे रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूटूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूटूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूटूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पे देखने को मिल मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्ज जॉर्ज की जो कि जेवियर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरत हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपनी बेटी मारिया यानी कि कल्याणी प्रया दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसा कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मिश्रित मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहस दोनों महान है और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गांव के कुछ बुजुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टाज नाराज़ होते हैं क्या वो बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी हैं ऊपर योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी या एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टारजल से कैच से बचाया है मारिया ने एंटनी की में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक पूर्व बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्र की कहानी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो आउक है लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफी दमदार है रोंगटे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोर यहाँ जो 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 पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में को चेतावनी देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोमन साझा करता है कल्याण ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहां पर यह मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंटनी का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को इंजॉय ज़रूर करेंगे जैसे ए पी एम टी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी ज़रूर दे दूँगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा साथ ही में यह मूवी हिंदी में कहाँ पर रिलीज़ हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊँगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे 2023 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक, एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की, की मूवीज़ बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मज़ा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई है वहाँ पर दस में से छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को सेवनटी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज़ और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूटूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूटूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लीड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो जॉर्ज कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सरथ जेजू जौहान चैंबर विनोद जोस, विन विजय राघवन जबल मैरी आर सरद कुमार बीनू पप्पू जिनू जोसेफ सुधीर करमाना अपानी सरत आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पे रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजोन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूटूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूटूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पर देखने को मिल मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्ज जॉर्ज की जो कि जेवियर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरत हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपनी बेटी मारिया यानी कि कल्याणी टिया दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसा कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मिश्रित मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहद दोनों महान है और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गांव के कुछ बुजुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टाज नाराज़ होते हैं क्या वो बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी हैं ऊपर योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी या, एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टारजन से कैच से बचाया है मारिया ने एंटनी की में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक कुर बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्र की कहानी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो आउक है लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफी दमदार है रोंगटे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोर जो 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 यहाँ अच्छा पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में को चेतावनी देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोम साझा करता है कल ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहां पर ये मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंटनी का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को इंजॉय जरूर करेंगे जैसे ये ए पी एम टी वी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी जरूर दे दूँगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा साथ ही में यह मूवी हिंदी में कहाँ पे रिलीज़ हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊंगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे इंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे दो के अंदर रिलीज कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की, की मूवीज बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मजा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई है वहाँ पर दस में से छः छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को सेवेंटी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज़ और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूट्यूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूटूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लीड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो जोर्स कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सरथ जेजू जोहान, चैंबर विनोद जोस, विन विजय राघवन जबल मैरी आर सरव कुमार बीनू पप्पू जिनू जोसेफ सुधीर करमाना अपानी सरत आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पे रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजोन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूटूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूटूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूटूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पर देखने को मिल जस, मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्जो जॉर्ज की जो कि जेवियर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरत हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपनी बेटी मारिया यानी कि कल्याणी प्रया दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसा कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मिश्रित मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहस दोनों महान है और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गांव के कुछ बुजुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टाज नाराज़ होते हैं क्या वो बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी है इनके ऊपर योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी या, एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टारजन से कैच से बचाया है मारिया ने एंटनी की में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक पूर्व बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्र की कहानी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो काउक है लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफ़ी दमदार है रोंगटे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोड़ जहाँ जो 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 पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में को चेतावनी देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोमन साझा करता है कल्याण ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर यह मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंटनी का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को इंजॉय जरूर करेंगे जैसे ए पी एम टी वी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी जरूर दे दूँगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा साथ ही में यह मूवी हिंदी में कहाँ पे रिलीज हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊंगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे इंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे दो के अंदर रिलीज कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की मूवीज़ बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मज़ा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई है वहाँ पर दस में से छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को 75 फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज़ और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूट्यूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूटूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूटूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लीड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो जोर्ज कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सरथ जेजू जौहान चैंबर विनोद जोश विजय राघवन जवल मैरी आर शरव कुमार बीनू पप्पू जिनू जोसेफ सुधीर करमाना अपानी सरत आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पे रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूटूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूटूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पर देखने को मिल मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्ज जॉर्ज की जो कि जेवियर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरत हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपनी बेटी मारिया यानी कि कल्याणी प्रया दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसा कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मछ मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहस दोनों महान है और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गांव के कुछ बुजुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टाज नाराज़ होते हैं क्या वो बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी है ऊपर योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी या एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टारजन से कैच से बचाया है मारिया ने एंटनी की में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक कुर बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्री की कहानी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो भावुक है लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफ़ी दमदार है रोंगटे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोड़ जहाँ जो जो पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में पृथ्वि को चौन देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोमन साझा करता है कल्याण ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहां पर यह मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंटनी का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को एंजॉय जरूर करेंगे जैसे ये फिल्म टी वी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी ज़रूर दे दूँगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा साथ ही में यह मूवी हिंदी में कहाँ पर रिलीज हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊंगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे 2023 के अंदर रिलीज कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की मूवीज़ बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मज़ा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई है वहाँ पर दस में से छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को 75 फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूटूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूटूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लिड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो जोर्स कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सराथ जेजू जौहान चैंबर विनोद जोश विजय राघवन जेवल मैरी आर सरव कुमार बीनू पप्पू जीनू जोसेफ सुधीर करमाना अपानी सरत आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पे रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूटूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूटूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूटूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पे देखने को मिल मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्ज जॉर्ज की जो कि जेविनर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरत हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपनी बेटी मारिया यानी कि कल्याणी प्रया दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसा कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मछ मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहस दोनों महान है और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गांव के कुछ बुजुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टाज नाराज़ होते हैं क्या वो बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी हैं इनके ऊपर योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी या एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टारजल से कैच से बचाया है मारिया ने एंटनी की में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक पूर्व बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्र की कहानी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो आउक है लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफी दमदार है रोंगटे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोर यहाँ जो 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 पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में को चेतावनी देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोमन साझा करता है कल्याण ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहां पर ये मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंटनी का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को इंजॉय ज़रूर करेंगे जैसे ये फिल्म टी वी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी ज़रूर दे दूँगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा साथ ही में ये मूवी हिंदी में कहाँ पर रिलीज़ हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊँगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे 2023 के अंदर रिलीज़ कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की मूवीज़ बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मज़ा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई है वहाँ पर दस में से छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को 75 फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज़ और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूटूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूटूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लीड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो जोर्स कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सरथ जेजू जौहान चैंबर विनोद जोश विन, विजय राघवन जबल मैरी आर सरत कुमार बीनू पप्पू जिनू जोसेफ सुधीर करमाना अपानी सरत आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पे रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजोन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूटूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पर देखने को मिल मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्ज जॉर्ज की जो कि जेवियर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरत हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपनी बेटी मारिया यानी कि कल्याणी प्रिया दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसा कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मिश्रित मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहद दोनों महान है और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गांव के कुछ बुज़ुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टाज नाराज़ होते हैं क्या वो बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी है इनकी योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी या एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टारजल से कैच से बचाया है मारिया ने एंटनी की में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक पूर्व बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्र की कहानी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो आउक है लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफी दमदार है रोंगटे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोर यहाँ जो 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 पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में को चेतावनी देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोहन साझा करता है कल्याण ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहां पर यह मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंटनी का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को इंजॉय जरूर करेंगे जैसे ये ए पी एम टी वी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी जरूर दे दूँगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा साथ ही में यह मूवी हिंदी में कहा पे रिलीज हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊंगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे 2023 के अंदर रिलीज कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की मूवीज़ बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मज़ा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई है वहाँ पर दस में से छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को सेवनटी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूट्यूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूटूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूटूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लीड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो ज्योर्स कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सरथ जेजू जोहान, चैंबर विनोद जोस, विन विजय राघवन जबल मैरी आर एस कुमार बीनू पप्पू जिनू जोसेफ सुधीर करमाना अपानी सरत आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पे रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजोन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूटूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूटूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूटूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पर देखने को मिल मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्जो जॉर्ज की जो कि जेवियर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरत हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपनी बेटी मारिया यानी कि कल्याणी प्रया दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसे कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मछित मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहद दोनों महान है और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गांव के कुछ बुजुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टाज नाराज़ होते हैं क्या वो बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी है ऊपर योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी या, एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टारजन से कैसे से बचाया है मारिया ने एंटनी की में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक पूर्व बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्र की कहानी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो आउक है लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफ़ी दमदार है रोंगटे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोड़ यहाँ जो 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 पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में को चेतावनी देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोम साझा करता है कल्याण ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर ये मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंटनी का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को इंजॉय जरूर करेंगे जैसे ये फिल्म टी वी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी ज़रूर दे दूँगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा साथ ही में यह मूवी हिंदी में कहाँ पे रिलीज हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊंगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे इंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे दो के अंदर रिलीज कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक, एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की, की मूवीज़ बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मजा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई है वहाँ पर दस में से छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को 75 फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूट्यूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूटूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लीड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो जोर्ज कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सरथ जेजू जौहान चैंबर विनोद जोश विन विजय राघवन जवल मैरी आर सरव कुमार बीनू पप्पू जिनू जोसेफ सुधीर करमाना अपानी सरत आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पे रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजोन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेज़ोन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूटूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूटूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूटूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पर देखने को मिल मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्जो जॉर्ज की जो कि जेवियर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरत हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपनी बेटी मारिया यानी कि कल्याणी प्रया दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसा कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मिश्रित मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहस दोनों महान है और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गांव के कुछ बुजुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टाज नाराज़ होते हैं क्या वो बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी हैं इनके ऊपर योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी या, एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टारजन से कैच से बचाया है मारिया ने एंटनी की में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक कुर बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्री की कहानी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो भावुक है लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफ़ी दमदार है रोंगटे टे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोड़ यहाँ जो 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 पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में पृथ्वि को देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोमन साझा करता है कल्याण ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहां पर यह मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंटनी का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को एंजॉय जरूर करेंगे जैसे ये फिल्म टी वी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी ज़रूर दे दूँगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा साथ ही मैं ये मूवी हिंदी में कहाँ पर रिलीज हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊँगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे 2023 के अंदर रिलीज कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की, की मूवीज़ बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मज़ा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई है वहाँ पर दस में से छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को 75 फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूटूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूटूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लीड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो ज्योर्स कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सरथ जेजू जौहान चैंबर विनोद जोस, विजय राघवन जेवल मैरी आर शरव कुमार बीनू पप्पू जीनू जोसे, सुधीर करमाना अपानी सरत आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पे रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूटूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूटूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूटूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पर देखने को मिल मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्ज जॉर्ज की जो कि जेवियर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरत हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपनी बेटी मारिया यानी कि कल्याणी टिया दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसा कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मशिध मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहस दोनों महान है और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गांव के कुछ बुजुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टाज नाराज़ होते हैं क्या वो बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी है ऊपर योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी या एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टारजल से कैच से बचाया है मारिया ने एंटनी की में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक पूर्व बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्र की कहानी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो आउक है लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफी दमदार है रोंगटे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोर यहाँ जो जो पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में पृथ्वि को चेतावनी देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोमन साझा करता है कल्याण ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फ़िल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेज़न प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर यह मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंटनी का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को इंजॉय ज़रूर करेंगे जैसे ये फिल्म टी वी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी ज़रूर दे दूँगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा साथ ही में ये मूवी हिंदी में कहाँ पर रिलीज़ हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊँगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे 2023 के अंदर रिलीज कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की, की मूवीज़ बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मज़ा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई है वहाँ पर दस में से छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को 75 फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज़ और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूटूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूटूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लीड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो जोर्स कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सराथ जेजू जौहान चैंबर विनोद जोस, विन विजय राघवन जबल मैरी आर सरव कुमार बीनू पप्पू जीनू जोसेफ सुधीर करमाना अपानी सरत आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पे रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूटूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूटूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूटूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पे देखने को मिल मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्ज जॉर्ज की जो कि जेवियर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरत हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपनी बेटी मारिया यानी कि कल्याणी टिया दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसा कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मिश्रित मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहद दोनों महान है और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गांव के कुछ बुज़ुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टाज नाराज़ होते हैं क्या वो बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी हैं ऊपर योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी या, एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टार्जन से कैच से बचाया है मारिया ने एंटनी की में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक पूर्व बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्र की कहानी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो आउक है लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफी दमदार है रोंगटे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोर यहाँ जो जो पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में को चेतावनी देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोम साझा करता है कल्याण ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर यह मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंटनी का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को इंजॉय ज़रूर करेंगे जैसे ये ए पी एम टी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी जरूर दे दूँगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा साथ ही में यह मूवी हिंदी में कहाँ पर रिलीज हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊँगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे 2023 के अंदर रिलीज कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की, की मूवीज़ बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मज़ा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई है वहाँ पर दस में से छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को सेवनटी फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूटूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूटूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लिड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो जोअर्स कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सरथ जेजू जोहान चैंबर विनोद जोश विन, विजय राघवन जबल मैरी आर शरव कुमार बीनू पप्पू जिनू जोसेफ सुधीर करमाना अपानी सरत आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पे रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये प्ले में हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजोन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूटूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूटूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पर देखने को मिल मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्ज जॉर्ज की जो कि जेवियर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरत हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपनी बेटी मारिया यानी कि कल्याणी टिया दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसा कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मछित मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहद दोनों महान है और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गांव के कुछ बुजुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टाज नाराज़ होते हैं क्या वो बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी हैं ऊपर योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी या, एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टारजन से कैच से बचाया है मारिया ने एंटनी की में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक कुर बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्र की कहानी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो आउक है लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफ़ी दमदार है रोंगटे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोर यहाँ जो जो पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में को चेतावनी देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोम साझा करता है कल्याण ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहां पर ये मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंटनी का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को इंजॉय जरूर करेंगे जैसे ए पी एम टी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी जरूर दे दूँगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा साथ ही में यह मूवी हिंदी में कहाँ पे रिलीज़ हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊंगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे इंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे दो के अंदर रिलीज कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की, की मूवीज बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मज़ा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई है वहाँ पर दस में से छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को 75 फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूट्यूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूट्यूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूटूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लीड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो जोर्ज कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सरथ जेजू जोहान, चैंबर विनोद जोस, विन विजय राघवन जवल मैरी आर सरव कुमार बीनू पप्पू जिनू जोसेफ सुधीर करमाना अपानी सरत आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पे रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजोन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूटूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूटूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूटूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पर देखने को मिल मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्जो जॉर्ज की जो कि जेवियर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरत हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपनी बेटी मारिया यानी कि कल्याणी प्रया दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसे कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मिश्रित मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहस दोनों महान है और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गांव के कुछ बुजुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टाज नाराज़ होते हैं क्या वो बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी है इनके ऊपर योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी या, एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टारजन से कैच से बचाया है मारिया ने एंटनी की में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक पूर्व बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्र की कहानी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो काउक है लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफ़ी दमदार है रोंग टे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोड़ जहाँ जो 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 पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में पृथ्वी को चुनाव देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोमन साझा करता है कल्याण ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेजोन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर यह मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंटनी का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को एंजॉय जरूर करेंगे जैसे ए पी एम टी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी जरूर दे दूँगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा साथ ही मैं ये मूवी हिंदी में, में कहाँ पे रिलीज हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊंगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे इंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे दो के अंदर रिलीज कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की मूवीज़ बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मजा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई है वहाँ पर दस में से छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को 75 फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज़ और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूट्यूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूटूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूटूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लीड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो जोर्ज कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सरथ जेजू जौहान चैंबर विनोद जोश विजय राघवन जवल मैरी आर शरव कुमार बीनू पप्पू जीनू जोसेफ सुधीर करमाना अपानी सरत आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पे रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेज़न प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूटूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूटूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूटूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पर देखने को मिल मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्ज जॉर्ज की जो कि जेवियर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरत हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपनी बेटी मारिया यानी कि कल्याणी प्रया दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसा कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मछ मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहस दोनों महान है और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गांव के कुछ बुजुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टाज नाराज़ होते हैं क्या वो बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी है इनके ऊपर योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी या, एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टार्जन से कैच से बचाया है मारिया ने एंटनी की में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक कर्ब बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्र की कहानी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो भावुक है लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफ़ी दमदार है रोंगटे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोड़ जहाँ जो 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 पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में पृथ्वि को देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोम साझा करता है कल्याण ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहां पर यह मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंटनी का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को एंजॉय जरूर करेंगे जैसे ये फिल्म टी वी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी ज़रूर दे दूंगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा साथ ही में ये मूवी हिंदी में कहाँ पर रिलीज हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊँगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे 2023 के अंदर रिलीज कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की मूवीज़ बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मज़ा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई है वहाँ पर दस में से छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को 75 फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूटूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूटूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लीड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो ज्योर्स कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सरथ जेजू जौहान चैंबर विनोद जोस, विन, विजय राघवन जेवल मैरी आर एस कुमार बीनू पप्पू जीनू जोसेफ सुधीर करमाना अपानी सरत आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पे रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूटूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूटूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूटूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पर देखने को मिल मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्ज जॉर्ज की जो कि जेविनर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरत हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपनी बेटी मारिया यानी कि कल्याणी टिया दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसा कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मिश्रित मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहद दोनों महान है और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गांव के कुछ बुजुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टाज नाराज़ होते हैं क्या वो बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी हैं इनके ऊपर योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी या एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टारजन से कैच से बचाया है मारिया ने एंटनी की में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक कर्ब बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्र की कहानी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो भावुक है लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफी दमदार है रोंगटे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोड़ जहाँ जो 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 पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में पृथ्वि को चेतावनी देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोमन साझा करता है कल्याण ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहाँ पर यह मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंटनी का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को इंजॉय ज़रूर करेंगे जैसे ए पी एम टी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी ज़रूर दे दूँगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारे इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और मैं आज आपको एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में यहाँ पर बताने जा रहा हूँ जिसका नाम एंटोनी है तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस फिल्म के बारे में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा साथ ही में ये मूवी हिंदी में कहाँ पर रिलीज़ हुई है इन सब के बारे में वीडियो में आपको आगे बताऊँगा तो अगर आप भी एंटोनी मूवी को देखना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो आप थोड़ा बहुत देखिए ताकि आपको फिल्म के बारे में पूरी जानकारी मिल जाए और आप भी दोस्तों एक कमाल की साउथ की जो मूवी है इसे एंजॉय कर सके जो एंटोनी मूवी है इसे 2023 के अंदर रिलीज कराया गया था और फिल्म के अंदर आपको थ्रिलर एक्शन दोनों ही देखने को मिलता है दो घंटे और सत्ताईस मिनट की मूवी रही है जिसके अंदर आपको ताब एक्शन और थ्रिल दिखाया गया है अगर आप एक, एक एक्शन लवर है फिर ये मूवी आपके लिए ज़रूर अच्छी हो सकती है हालांकि साउथ की, की मूवीज़ बेहतरीन होती है और उन्हें देखने का मज़ा भी सबसे अलग रहता है इस फिल्म की रेटिंग जो आई है वहाँ पर दस में से छः की रही थी इसके अलावा जो गूगल यूज़र है वहाँ पर भी दोस्तों इस मूवी को 75 फाइव प्रतिशत लोगों ने लाइक दिया है और फिल्म को दोस्तों यहाँ पर प्रोड्यूस किया था नेक्स्ट स्टूडियोज़ और अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट ने दोस्तों जो अल्ट्रा मीडिया है वो काफ़ी सारी साउथ की मूवीज़ भी डब कराते हैं लेकिन अब वो मूवीज़ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी बात है इनके यूटूब चैनल पर आप जो है काफ़ी सारी साउथ की हिंदी मूवी इंजॉय कर सकते हैं और अगर फ्यूचर में इस मूवी का यूटूब प्रीमियर होता है तो वो दोस्तों आपको अल्ट्रा मीडिया और एंटरटेनमेंट के यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल सकता है जो फिल्म के अंदर लीड काफ्ट इसके अंदर आप सभी को जो जो ज्योर्स कल्याणी प्रिया दर्शन नाइला उषा आशा सरथ जेजू जौहान चैंबर विनोद जोश विन, विजय राघवन जबल मैरी आर सरत कुमार बीनू पप्पू जिनू जोसेफ सुधीर करमाना अपानी सरत आपको दोस्तों और भी बहुत सारे कमाल के किरदार इस फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते हैं और सभी का जो काम है वो काफ़ी अच्छा है जो आपको कहीं पर भी निराश नहीं कराता है चलिए बात करते हैं इस फिल्म की कहानी और हिंदी वर्जन के बारे में तो आप में से दोस्तों बहुत लोगों को पता ही होगा ये मूवी रिलीज़ हो चुकी है पहले इस मूवी को अहा पे रिलीज़ कराया गया था लेकिन अब ये फिल्म हिंदी के अंदर आ चुकी है ये जो मूवी है वो दोस्तों आप सभी को हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी अमेजोन प्राइम वीडियो पे जी हाँ दोस्तों आप लोग सही सुन रहे हैं ये मूवी आप सभी को अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर देखने को मिल जाएंगी आप इसे अमेजोन प्राइम वीडियो पर हिंदी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं रही बात मूवी की यूटूब प्रीमियर की तो जो अल्ट्रा मूवीज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर इस मूवी का यूटूब प्रीमियर हो सकता है और फ्यूचर में ये मूवी दोस्तों आप सभी को वहीं पर देखने को मिल मिल सकती है और इस फिल्म का टेलीविज़न प्रीमियर भी आपको काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाएगा जो फिल्म की कहानी है वो एंटनी की रहती है यानी कि जॉर्ज जॉर्ज की जो कि जेवियर नाम के एक बदमाश को मार देता है और जेवियर की पत्नी जैसी यानी कि आशा सरत हत्या की गवाह है लेकिन एंटनी जो लेकिन जो एंटनी है उसके खिलाफ गवाही नहीं देता है एंटनी को अपनी बेटी मारिया यानी कि कल्याणी दर्शन का जो है वो रक्षक बनना है क्योंकि वहाँ पर जैसा कि एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है और मारिया एक मिश्रित मार्शल आर्ट खिलाड़ी है शरारत और साहद दोनों महान है और वह उस लोगों को कुचल देता है और उसके रास्ते में खड़े होते हैं कॉलेज के विवादों के कारण मारिया को हॉस्टल छोड़ना पड़ता है लेकिन यहाँ पर जो एंटनी है वो मारिया को अपने घर ले जाता है वहाँ मारिया को अपनी मतलब बेटी मानते हैं लेकिन उसके बीच के रिश्ते को गांव के कुछ बुज़ुर्ग गलत मानते हैं उधर अपने बड़े भाई जैवर की मौत को लेकर एंटनी से उसके छोटे भाई टाज नाराज़ होते हैं क्या वो बदला लेने के लिए एंटनी की परियोजना पर हमला करेगा मतलब इनके जो करीबी है ऊपर योजना करेगा ये आपको फिल्म के अंदर आगे देखने को मिलता है यहाँ से मूवी की असली कहानी भी स्टार्ट होती है एंटनी या एंटनी ने यहाँ पर मारिया और उसके परिवार को टारजल से कैच से बचाया है मारिया ने एंटनी की में किस प्रकार का परिवर्तन लाया जो कि एक कुर बदमाश के रूप में जी रहा था जैसे ही एंटनी के खिलाफ गवाही क्यों नहीं दी और जब उसके पति जेवियर को उसकी आंखों के सामने मार डाला था तो एंटनी मारिया की उसके असली पिता से मिलने की इच्छा कैसे पूरी करता है मारिया ने एंटनी के साथ रहने को क्या निर्णय लिया है एंटनी के परिवार की मृत्यु का कारण कौन है और यही कहानी इस फिल्म के अंदर है और यहाँ पर आपको ये सब कुछ देखने को मिलता है एक पिता पुत्र की कहानी यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से दिखाई गई है जो आउक है लेकिन एंटनी की जो फिल्म एक्शन तत्व है वो काफी दमदार है रोंगटे यहाँ पर खड़े कर देने वाली एक्शन फिल्म है जो कि भरपूर एक एपिसोड की तरह ही है जो जो जोर यहाँ जो 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 पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं वो दृश्य जहाँ एंटनी मारिया के बारे में को चेतावनी देता है गरीब लोगों के लिए खड़े होकर उनकी लड़ाई का रोहन साझा करता है कल्याण ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और एक बेटी के रोल में इनका जो रोल है वो बहुत ही बेहतरीन है मैं दोस्तों आपको एक एक ही बात कहना चाहता हूँ कि एक बहुत ही प्यारी और कमाल की मूवी का यहाँ पे निर्माण किया गया है तो अभी तक आपने इस कमाल की मूवी को दोस्तों नहीं देखा तो शायद आपने एक अच्छी फिल्म को मिस किया है तो मैं आपको बस यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर आप एक अच्छी फिल्म की तलाश कर रहे हैं तो फिर एंटनी मूवी आपके लिए एक अच्छी फिल्म साबित हो सकती है इस कमाल की मूवी को आप लोग अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं जहां पर ये मूवी रेंट पर भी अगर आप लेना चाहें तो रेंट पर भी ले सकते हैं बहुत ही बढ़िया और प्यारी फ़िल्म का निर्माण है तो समय मिले तो इस मूवी को आप लोग ज़रूर देखिए ये मूवी दोस्तों आपको कैसी लगती है एंटनी का जो किरदार है वो आपको कैसे लगता है कैसा लगता है वो आप मुझे ज़रूर बताइए दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस कमाल की मूवी को इन्जॉय ज़रूर करेंगे जैसे ही पी एम टी वी के ऊपर आती है मैं आप सभी को जानकारी ज़रूर दे दूँगा आप सभी लोग हमें जो है वो फॉलो कर सकते हैं हमारी इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं अगर आप साउथ की फिल्में देखते हैं तो